मेरे प्यारे साथियों, एक स्टोरी है जो बहुत बड़ी सीख देती है हम सभी को। आज मैं उस स्टोरी से आप सभी को परिचित कराने जा रहा हूँ। एक रास्ते से एक व्यक्ति हमेशा गुजरता था और वो सभी से नमस्कार करने की आदत थी, सबसे नमस्ते करता था। उसी रास्ते से एक दूसरा व्यक्ति गुजरते हुए उसको गाली देता था। एक तीसरे व्यक्ति ने जब उन दोनों के बीच की ये वार्तालाप को सामने देखा, तो एक दिन उसने पहले व्यक्ति से कहा कि हे महापुरुष, आप प्रतिदिन हर किसी को नमस्कार करते हैं, लेकिन ये अमुक व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति आपको हमेशा गाली क्यों देता है? हमेशा गाली देता है। तो पहले महापुरुष ने कहा कि जब वो मेरे लिए अपनी गालियाँ नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसके लिए अपने अच्छी आदतों को क्यों छोड़ दूँ? यानी कि मैं नमस्कार करना क्यों छोड़ दूँ? जब वो मेरे लिए गाली नहीं छोड़ रहा, तो मैं उसके लिए अच्छी आदतें अपनी क्यों छोड़ दूँ? जैसा कि कहा जाता है कि टिट फॉर टैट वाली जो कहानी है, ये मैं नहीं समझता कि गलत, ये तो बिल्कुल गलत ही है। जैसे कहते हैं ना कि सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से दुष्टता उस इंसान की ख़त्म नहीं होगी। टिट फॉर टैट अंग्रेजी की कहावत है। मेरे विचार से तो मुझे नहीं लगता कि टिट फॉर टैट के सिद्धांत पे चल के किसी को सही रास्ते पे लाया जा सकता है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसको परेशानियाँ बुरा बना देती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को बार बार बुरा कहने लगेंगे, तो उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में इतनी कमियां दिखाई देंगी, इतनी कमियां दिखाई देंगी कि उसके अंदर एक अच्छाई भी ना मिलेगी। कभी आपने सोचा है, जब भी हम किसी की बुराई करते हैं या बुरा बोलते हैं, कभी एक पल के लिए भी हमने ये सोचा हो कि उस व्यक्ति के अंदर क्या अच्छाइयां हैं? सोच के देखिए, अगर अगर दो लोग बैठे हैं, और अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि चार लोग बैठे हैं, मान लीजिए एक जगह पे, या छह लोग बैठे हैं और छह लोग भी बुराई कर रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, तो उस इंसान में बुराई ही बुराई दिखाई देगी। और उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति अच्छा कहने लगे, तो बाकी सब भी अच्छा कहने लगते हैं। चाहे जब आप लोग देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा, हमेशा की नोटिस करिएगा इस चीज़ को। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है ना? तो किसी को बुरा कहने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए। अगर हम किसी को बुरा कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस संसार में हमारी भी बुराई हो रही है। ये प्रकृति का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने विज्ञान का सिद्धांत दिया था, वो हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। यानी कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो निश्चित रूप से, या बुरा बोलेंगे, तो निश्चित रूप से पीठ पीछे कहीं ना कहीं हमारी भी बुराई हो रही है। अब ये बात अलग है कि हमें पता नहीं है, लेकिन निश्चित आप बात समझिए। इसीलिए हमेशा एक गुण आजमा लीजिए, अगर विकास करना है, केवल तारीफ करने का गुण। वो अगर ये गुण है आपके अंदर, तो आप हर जगह सफल हैं। आपके अंदर अगर तारीफ करने की आदत है, हैबिट है, तो कभी आप किसी मामले में फेल नहीं हो सकते, और कभी किसी इंसान को छोटा मत समझो। अगर आप छोटा समझेंगे, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हो सकता है कि कभी ना कभी किसी मोड़ पे वो किसी ना किसी काम तो आ ही सकता है।
ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अपने अंदर झांके, आत्म मंथन करें और विकास के बारे में सोचें, ना कि किसी को गड्ढे में गिराने के बारे में। थैंक यू।